तो मेरे प्यारा भाई लोग, जिस भी बंदे ने मेरा चैनल हैक किया ना गाइस, उसका आज मैं आपको फोटो दिखाने वाला हूँ। और मेरे प्यारे भाई लोग, इस बंदे ने मेरे साथ कैसे क्या किया मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे भाई लोग, प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लेना यार, इससे आपके भी काफी हेल्प होगी और मेरी भी होगी गाइस। ये चीज आप मत करना। और गाइस, मेरे से हो गया है, गलती तो मैंने किया है, लेकिन प्लीज मेरे प्यारे भाई लोग, मुझे सपोर्ट करो यार, मेरा चैनल मुझे वापस करवा दो यार। मेरे प्यारा भाई लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा 6 मिलियन वाला चैनल हैक हो चुका है। और गाइस, काफ़ी सारे बंदे कमेंट पे लिख रहे हैं कि भाई तू ये झूठ बोल रहा है, तू नौटंकी कर रहा है। गाइस, आप एक चीज़ बताओ यार, मैं क्या नौटंकी करूँगा? बस जिस दिन मेरा चैनल हैक हुआ, उस दिन मैंने सुबह को वीडियो भी अपलोड किया था, उस दिन डेट था 13 तारीख, ठीक है गाइस। ये चैनल मेरा 12 बजे हैक हुआ है और मैंने सुबह को उसको वीडियो डाला है, ठीक है। काफ़ी सारे बंदे बोल रहे कि भाई तूने वीडियो डाला है, भाई वीडियो तो डाला है बट यार वो हैक हो गया ना 12 बजे। मेरे प्यारे भाई लोग, मैंने सबसे बड़ी गलती किया, अपने चैनल का उसको एक्सेस दे दिया, ओनर बना दिया, ठीक है गाइस। मेरी जगह आप भी होते तो आप भी यही कर देते गाइस। वो बंदा मतलब मुझे इतना ट्रस्ट दिलवाया, पिछले 1 महीने से मेरे साथ कॉल पे डेली 2-3 बार बात करता था, और उसने मुझे इतना यकीन दिलवाया कि यार मैं पूरे उसके बातों पे आ गया भाई। और मेरे प्यारे भाई लोग, मैं कुछ भी लालच नहीं कर रहा था, ठीक है। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मैंने 2 सालों से मेहनत किया है किसी भी तरीके से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। गाइस, यूट्यूब ने मेरे चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया था रियूज कंटेंट के धारे से, और गाइस मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था। तो गाइस, इस बंदे ने मुझे ईमेल पे कॉन्टेक्ट किया और इसने बोला कि भाई एक CMX नाम की कंपनी होती है, उसमें तुम जुड़ जाओ, तुम्हारा रियूज कंटेंट भी उसमें सही हो जाएगा, तुम्हारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। मैंने सोचा चलो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब की तरफ से जो मुझे क्रिएटर अवार्ड मिलेगा मोनेटाइजेशन होने के बाद मिल जाएगा। तो कैसे मैंने यही सोच के उसके लिए हाँ कर दिया। और भाई, इसने बहुत ही ज़्यादा विश्वास दिलाया कि भाई देख, तेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, किसी को ID पासपोर्ट देना मत और मुझे भी मत देना, ऐसे बोल के किया गया। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, बहुत कुछ बोला उसका, अभी मैं आपको फोटो भी दिखाने वाला हूँ। और गाइस, इसने बोला कि भाई देखो, उस कंपनी में अप्लाई करने के लिए 7 दिन टाइम लगते हैं, उसके बाद तू उस कंपनी में ज्वाइन हो सकता है। तो गाइस, इसने बोला कि कंपनी में ज्वाइन होने के लिए सबसे पहले तू एक ब्रांड अकाउंट बना अपने मेन जीमेल से, जो तेरा चैनल है। तो गाइस, मैंने ब्रांड अकाउंट बनाया और उस बंदे ने मुझे यूट्यूब पर जाके www.google.com/account वहाँ पर जाने के बाद मुझे मेरा मेन चैनल का और ब्रांड अकाउंट से रिप्लेस करवाया। मेरा ब्रांड चैनल का पूरा सब्सक्राइबर जो नहीं, मेरा मेन चैनल का जो भी सब्सक्राइबर था वो ब्रांड अकाउंट में आ गया और बोला कि भाई देख, अभी तुझे ब्रांड अकाउंट का मुझे ओनर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे जीमेल पे एक अकाउंट बनाऊंगा जिससे कि तुम्हारा उससे एडसेंस बना पाएगा। वो जीमेल मेरे पास नहीं आएगा, वो डायरेक्ट CMX कंपनी की पे से जाएगी। तो बोला कि भाई तुझे ओनर बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये मतलब ID नहीं बना सकते, एडसेंस और तेरा मोनेटाइज भी नहीं होगा, तो तू मुझे ओनर बना दे, तेरा चैनल का ओनर तू ही रहेगा, प्राइमरी ओनर तू रहेगा, सिर्फ ओनर मैं बनूंगा। तो गाइस, मैंने विश्वास करके उसको दिया यार, बहुत ही मुश्किल से, और उस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। गाइस, 7 दिनों के बाद यार उस बंदे ने मेरा एक्सेस छीन लिया। गाइस, उस बंदे का फोटो ये है, गाइस देखो यही बंदा है, मैंने चुपके से इसकी फोटो निकाल लिया था, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, मुझे पता था कि अगर कुछ फ्रॉड होगा तो मुझे तो कुछ चाहिए। तो गाइस, इसको पता नहीं है ये फोटो है, मैंने उसका फोटो निकाल लिया था गाइस। और मेरे प्यारा भाई लोग, जो भी बंदे बोल रहे हैं ना कि भाई तू नौटंकी कर रहा है, ये तेरा ठीक है, तू वायरल होना चाहता है, भाई मैं कुछ भी नहीं होना चाहता, मेरा चैनल मुझे वापस चाहिए यार, किसी भी तरीके से मेरा चैनल मुझे वापस करवा दो। गाइस, मैंने बहुत ही मुश्किलों हालात से उस चैनल को खड़ा किया था यार, मुझे ही पता है भाई, एक क्रिएटर ही क्रिएटर का दर्द समझ सकता है। प्लीज़ यार, मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा चैनल किसी भी तरीके से वापस करवा दो यार।